Hello friends, welcome back to my channel DIY Stylo. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ how to make this beautiful top. तो टॉप बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 meter कपड़ा. कपड़े को हम लोग डबल फोल्ड करेंगे ताकि इसमें 4 layer क्लोथ आ जाए और हम जो भी इस पर मेजरमेंट करके ड्रॉ करें वो हमारी एक सी दोनों साइड आ जाए. तो इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे और फिर हम लोग इस पर अपने टॉप का शेप ड्रॉ करेंगे. आप टॉप की अपने कोई भी टॉप की मेजरमेंट ले सकते हैं या आप किसी की हेल्प से अपनी बॉडी मेजरमेंट करके उस हिसाब से हम इस पर मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे. तो मैंने जो मेजरमेंट ली है वो मैंने यहाँ पे आपको शो की हुई है. तो ये मेरी मेजरमेंट्स हैं. तो हमने यहाँ पे अपनी मेजरमेंट ली हुई है. मैंने अपने टॉप की लेंथ 25 रखी है. फिर हम इसे वाइड से 7 inch और लेंथ से 7 inch मार्क करेंगे और लेंथ जहाँ ख़त्म होगी वहाँ हम लोग 3 inch वाइड मार्क करेंगे और उसके बाद हम इसे तिरछी लाइन में जॉइन कर देंगे अपने फैब्रिक के एंड तक. अब हम इस पर अच्छे से कर्व्ड सर्कल मार्क करेंगे. आर्क हम यहाँ पे अच्छे से मार्क करेंगे और 1 inch गैप लेके हम अपने आर्म को भी कर्व्ड शेप दे देंगे. अब हम अपना नेक बनाएंगे. तो नेक मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी. तो पहला हमारा जो नेक है वो हम बनाएंगे सर्कल नेक. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 inch पहले लेंथ ली है और इसके बाद 3 inch हम इसकी वाइड लेंगे. तो लेंथ और वाइड हम 3-3 inch लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे स्क्वायर. हम दोनों साइड से लाइंस ड्रॉ कर देंगे स्क्वायर बनाने के लिए और फिर हम 1 inch का गैप लेके इसे कर्व शेप दे देंगे ताकि जब हम इसे कट करें तो ये हमारा सर्कल शेप हो जाए. अब हम शोल्डर को मार्क करेंगे. तो 1/2 inch हम यहाँ पे मेजर करके इस पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे कट करेंगे और इससे हम अपना शोल्डर जॉइन करेंगे. तो अब हम मैं आपको बताऊंगी दूसरा नेक. तो अब हम बनाएंगे अपना दूसरा नेक जो कि बोट नेक है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 inches लाइन ड्रॉ की है और लेंथ और वाइड मैंने दोनों 4 inches लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद हम इसमें 1 inch का गैप लेके इसमें भी कर्व, इसमें हम 2 inch का गैप लेंगे और कर्व शेप ड्रॉ करेंगे. अब मैं यहाँ पे अपना पीछे का नेक, क्योंकि मैंने छोटा रखा है तो मैं वो मार्क कर लूँगी और वो हम 2 inch का गैप रख के करेंगे. मैंने अपना पीछे का नेक भी ड्रॉ कर लिया है. अब हम शोल्डर और नेक काट लेंगे. पहले हम पीछे का नेक काटेंगे ताकि हम हमारा दोनों लेयर्स कट के तैयार है. पहले मैंने पीछे का नेक काट के पीछे का पार्ट हटा लिया था और फिर मैंने आगे का पार्ट काट के पूरा पीस काट लिया. तो अभी जो मैंने आपको मार्क करके और कट करके दिखाई वो हमारी लॉन्ग लेयर थी, क्योंकि हमारा डबल लेयर टॉप है तो हमारी इसकी 4 sides हैं. तो मैंने जो बैक साइड है मेरे टॉप की वो ली है, यहाँ पर अच्छे से प्लेस कर दी है कपड़े पर. और अब मैं यहाँ पर जैसा ये शेप मैंने कट किया हुआ है सेम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद कट कर लेंगे हम इसे. मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है और फिर हम जैसे हमने अपने आगे वाले फ्रंट पार्ट का नेक मेजरमेंट किया था बोट नेक, हम उसे मेजरमेंट करके फिर हम अपने आगे का पार्ट भी काटेंगे. तो मैंने ये शॉर्टर लेंथ ली है. शॉर्ट लेंथ हमारी 18 inches है. अब मैं इसे कट कर, अब हम इसके नीचे से आर्क लगाएंगे जैसे हमने लॉन्ग लेंथ वाले में लगाई थी. अब मैं इसे शॉर्ट में भी सेम आर्क ऐसे सर्कल आर्क लगाऊंगी और इसे हम कट कर लेंगे. इसे हम चारों तरफ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमारा जो बैक साइड है वो हम अलग कर लेंगे ताकि हमारा आगे की लेयर का जो डीप नेक है वो हमारे बैक नेक में ना कटे. मैंने इसे नीचे से कट कर लिया है. अब जैसे मैंने अपना लॉन्ग लेयर का फ्रंट नेक बनाया था वैसे ही हम इसमें 4 inches वाइड और 4 inches लेंथ लेके इसमें भी आर्क लगा के कट. तो अब मैंने यहाँ पे आर्क लगाया है हमारे बोट नेक का. ये हमारा
फ्रंट नेक है और जो मैंने ऊपर छोटा आर्क लगाया है वो हमारा बैक नेक है। तो पहले हम अपना बैक नेक कट करेंगे और पूरा अपना टॉप कट करके बैक नेक कट करके अपना टॉप कट करेंगे और उसके बाद ये अपना पूरा जो भी हमने मार्क किया था वो कट कर लिया है। अब हम इसमें से बैक वाला पार्ट हटा देंगे ताकि इसका फ्रंट नेक हमारा ना कटे। और अब मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक पे जो आर्क लगाया है वो काट लेंगे और हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार हैं। तो हमारी जो टॉप की रिमेनिंग कट करने के बाद रिमेनिंग कपड़ा बचा है, अब मैं इसकी स्लीव्स बनाऊंगी। तो इसको भी मैंने डबल कपड़े को बीच से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स मार्क करेंगे। तो स्लीव्स की हाइट मैंने 6 इंचेस ली है। पहले हम 6 इंचेस यहाँ पे मार्क करके अपना कपड़ा अच्छे से 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस से मार्क किया है और इसको हम लोग ने तिरछा 7 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे 7 इंचेस मार्क करेंगे और इसे जॉइन कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 इंचेस मार्क लिया है ताकि हमारी स्लीव्स पे कट आ जाए शोल्डर पे। अब मैं इसे ऐसे माउंटेन शेप कर्व देके मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैंने इसे तिरछा मार्क किया है। ये हमारी स्टिच होगी स्लीव्स। अब हम इसे कट करेंगे। तो अब हम स्लीव्स के नीचे की पट्टी बनाएंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 10 ली है और वाइड 3 इंच ली है। ये मैंने डबल कट किया है। अपने टॉप पे ज़िप लगाऊंगी तो उसके लिए मैंने सेंटर पे यहाँ लाइन ड्रॉ की है। मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी उसे सेंटर से कट कर लिया है। अब मैं इस पे शोल्डर पे और ज़िप एरिया पे सिलाई करूँगी 1/2 इंच छोड़ के। और मैंने अपने लॉन्ग पार्ट और शॉर्ट पार्ट दोनों को एक साथ प्लेस करके पिन से सिक्योर किए हैं। हम इस दोनों साइड्स को ऐसे सिल लेंगे, दोनों पार्ट्स की साइड्स को। फिर जब हम इस पर टर्न करें, मैंने यहाँ इस पर पूरी सिलाई मार ली है। अब मैं इसे सीजर से कट करूँगी और फिर टर्न करूँगी। मैंने इसे टर्न करके इस पर फिर से सिलाई मार दी है ऊपर से पूरे में। मैंने यहाँ पर ज़िप प्लेस करके ज़िप को भी स्टिच कर दिया है। मैंने इस पे ज़िप को स्टिच किया हुआ है और अब हम इसे शोल्डर से जॉइन करेंगे। तो मैंने यहाँ के आगे वाले पार्ट को भी वैसे ही सिलाई करके टर्न करके और फेस पे हमने शोल्डर भी जॉइन कर लिया है। मैंने अपने आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स को यानी कि चारों पार्ट्स को एक साथ स्टिच कर दिया है। अब हम इसे साइड से सिलेंगे। तो अब हमने इसे साइड से भी स्टिच कर लिया है। मैंने दोनों लेयर्स को अलग अलग स्टिच किया है, आप चाहें तो एक साथ भी स्टिच कर सकते हैं। अब हम इसे नीचे से सिलेंगे। तो मैंने अब यहाँ पर स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो अपना शोल्डर कट था उसमें प्लेट्स डाल के उसे स्टिच कर ली हैं। अब हम इस पर अपनी पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हम यहाँ पर प्लेस करेंगे अपनी स्लीव्स के साथ और हम इस पर सिलाई करेंगे। हम इसे जहाँ तक मैंने इसे ब्लू मार्क किया है वहाँ तक हम इसे सिंपल सिलेंगे और उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें इसे छोटी छोटी प्लेट्स डाल के इसे अच्छे से स्टिच करना है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी प्लेट्स डाल सकते हैं। आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट करके प्लेट्स डाल दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इस साइड भी यहाँ पे ब्लू मार्क किया है। मैं वहीं तक प्लेट्स डालूंगी और उसके बाद इसे सिंपल सिलूंगी। अब मैं यहाँ पे इसको प्लेट्स डालने के बाद इसको पूरा एंड तक सिंपल सिल दूंगी। अब हम बनाएंगे इसकी पाइपिंग जो हम इसके शोल्डर कट पे लगाएंगे ताकि इसका एक क्लियर लुक आए। तो अब हम बनाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लंबी कपड़े की स्ट्रिप ली है, उसे फोल्ड करके हम इसे सिलेंगे।
हम पाइपिंग को सिल लेंगे, उसके बाद हम इस पर तो हम इस पर अपनी पाइपिंग प्लेस करके सिलाई करेंगे। हम इसे अपनी स्लीव पे प्लेस करके अच्छी तरीके से सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम इसे कट करके इसे टर्न करेंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे ताकि इसका एक क्लियर लुक आ जाए। तो अब मैं इस पर दोबारा से सिलाई चला रही हूँ फोल्ड करके। हमें इस तरीके से फोल्ड करके पूरा स्पेस से सिलाई मार लेना है। तो मैंने अब इस यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब हम स्लीव्स की बॉटम साइड को 5 इंच मेज़र करेंगे और मार्क करेंगे। हमें यहाँ से अपनी स्लीव्स को सिलाई करना है, तो अब मैं यहाँ से अपनी स्लीव्स को सिलाई कर दूँगी। तो मैंने अपनी स्लीव्स स्टिच करके अपने टॉप में ज्वाइन कर दी है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर लुक आया है हमारे कट का। हमने दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर ली है। अब मैं इसके साइड नीचे बॉटम साइड को, तो मैंने इसकी नीचे की साइड को पीको किया है। आप चाहें तो आप इसे फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं। और हमारा टॉप बन के रेडी है। हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.